Hey and welcome back to my channel. You're watching the Viper Beast. तो भैया आपने तो ये वीडियो देख लिया, अब बात करते हैं RC 200 के टॉप स्पीड के बारे में थोड़ी सी डिटेल में, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी डिटेल में. हाँ, ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, ये व्लॉग थोड़ा छोटा होने वाला है. बट अब देखो, बहुत लोग ये कमेंट करोगे कि भाई आपकी 137 जा रही है. जिनकी 137 से कम जाएगी वो बोलोगे भाई आपकी कैसे जा रही है, मेरी नहीं जा रही है. और जिनकी 140 या 150 जा रही है वो बोलोगे भाई आपकी इतनी ही जा रही है. तो भैया कमेंट करने के पहले ये पूरा वीडियो देख लेना, ठीक है. अब भाई जिनकी 132, 133 ही जा रही है उनको मैं बता दूँ, कुछ होते हैं ऐसे कंडीशन जो आपको फॉलो करने होते हैं. आपको पहला टक इन करना होता है, एयर प्रेशर चेक करो, उसके बाद प्रॉपर बाइक की मेंटेनेंस करवाओ, सर्विसिंग वगैरह, फिर कोई प्रॉब्लम है उसको फिर ठीक करवाओ. चेन पे ज़्यादा ध्यान देना क्योंकि चेन की बहुत ज़्यादा इसमें रोल होता है. अब चेन पे ध्यान देना, मतलब चेन को प्रॉपर टाइम पे क्लीन करवाना, ल्यूब करवाना, ये तो आपको करवाना ही पड़ेगा भाई. बाइक रखे हो तो थोड़ी बहुत तो खर्च करनी पड़ेगी. अब वो कहते हैं ना, हाथी पालोगे तो भाई खर्चा तो होगा ही, चाहे वो सर्विसिंग हो चाहे वो बाइक की मेंटेनेंस हो. अब देखो, जिनकी बाइक 140-150 जाती है, मैं आप लोग को बता दूँ कि वो जो ये कहते हैं ना वीडियो में कि भाई मेरी 140-150 जा रही है, तो उनकी बाइक में मॉडिफिकेशन होते हैं. वो क्या होते हैं मैं बताता हूँ. उनमें ECU या तो रिमैप होता है या तो ECU चेंज होता है, और स्प्रॉकेट भी हो सकता है चेंज हो. ये बहुत सारे चीज़ है वो जो चेंज करवाते हैं, ठीक है. खासकर ये ECU की वजह से टॉप स्पीड बढ़ती है. और एक दूसरा, अगर आप ECU नहीं चेंज करवा रहे हो, अगर उनकी सिर्फ 140 जा रही है, तो ये हो सकता है उन्होंने स्प्रॉकेट चेंज करवाया हो, ठीक है. इसलिए मैं बोला चेन की थोड़ी सी अहमियत है, तो आपको थोड़ा साफ़ सफाई रखना पड़ेगा, ठीक है. अब जिनकी 130-132 जा रही है उनको थोड़ा बहुत बाइक को चेक करना ही पड़ेगा, चाहे वो एयर प्रेशर हो चाहे वो मेंटेनेंस हो सर्विसिंग हो, ठीक है, वगैरह वगैरह. तो देखो, बहुत लोग ये बोलोगे कि भाई क्या बॉडी वेट अगर आपकी ज़्यादा है या कम है तो क्या ये अफेक्ट करेगी टॉप स्पीड. तो मैं बता दूँ, पावर टू वेट रेशियो KTM का बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है. सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, ठीक है. अब घर पे बैठ के बना रहे व्लॉग तो हो गए भाई इतना सा. अब घर पे बैठ के क्यों बना रहा हूँ, अगर आपको ये जानना है तो ये ऊपर आई बटन है उस पर दबा के देख लो, ठीक है. बात करते हैं बॉडी वेट के बारे में, तो ज़्यादा ये मायने नहीं रखता क्योंकि मैंने खुद की मैंने ये एक्सपीरियंस की है कि पिनियन राइडर के साथ मेरी ये बाइक 137 ही गई है, 136-137 ही गई है. तो आपका बॉडी वेट इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं डालेगा, ठीक है. तो ये चीज़ तो कमेंट करना ही मत कि भाई बॉडी वेट का थोड़ा बहुत इशू है. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. कंपनी खुद कहती है कि बॉडी वेट से उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता. अगर आप प्रॉपर राइडिंग कंडीशंस, जैसे कि आप रोड हो गया, आपका विंड कंडीशंस वगैरह वगैरह, और हाँ आप बाइक को किस तरह से मेंटेन करते हो, आप किस तरह से चला रहे हो, क्योंकि भाई बाइक ऑलरेडी एरोडायनामिक है, और अगर आप उसके एरोडायनामिक को छेड़ोगे, आप स्ट्रेट बैठे हुए हो और बोल रहे हो कि आपकी बाइक टॉप स्पीड नहीं अटेंड कर पा रही है, तो ये आपकी गलती है. आपको टक इन करना पड़ेगा टू मेंटेन द स्टेबिलिटी एंड एरोडायनामिक शेप, ठीक है. सब जानते हैं भाई KTM एरोडायनामिकनेस पे बिलीव करती है, खासकर RC. ड्यूक भी है बट उतनी नहीं है जितनी RC है, ठीक है. RC का मतलब होता है रेस कंपटीशन. तो चलो भाई, आज के लिए इतना ही. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे जो लाइक बटन है उस पर क्लिक करके वीडियो को लाइक करना, और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो. अब बाकी बगल में घंटा है, उसके साथ अब खेलो मचाओ, जो करना है वो करो, लेकिन वो दब जाना चाहिए ताकि आपको जो भी मेरे वीडियोस हैं वो आपको जल्द से जल्द मिल जाए, ठीक है. तो आज के लिए इतना ही, और बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में. जैसे कि प्यार में धोखा और लाइफ में मौका सबको एक बार तो हमेशा मिलता है, इसीलिए बकचोदिया पेलते रहो. बाय बाय. और हाँ, जाते जाते एक बात और, बहुत लोग ये बोलोगे कि भाई मैं इतनी गालियाँ क्यों देता हूँ, तो उसके लिए मैं ये बता दूँ कि भाई मैं दिल्ली, मुंबई, पुणे बहुत जगह रहा हूँ, बहुत महीनों कहीं सालों तक रहा हूँ, इफेक्ट हो जाता है, इंसान हूँ भाई, मुझसे गाली निकल जाती है, ठीक है, हो जाती है. मैं इंटेंशनली किसी को देता नहीं हूँ, तो अगर आपको ये लगता है कि मैं किसी को दे रहा हूँ इंटेंशनली, फ्रस्ट्रेशन होती है कभी कभी निकल जाती है, कभी मजाक में निकल जाती है, आप समझ ही सकते हो. चलो बाय बाय, सी यू. Chance comes.